अलीगढ़ मामले पर बोले अखिलेश यादव, सीएम योगी आदित्यनाथ पर उठाए सवाल, प्रदेश की कानून व्यवस्था पर जताई चिंता, लगातार बढ़ते अपराध पर जाहिर की चिंता। अलीगढ़ में मासूम के साथ दरिंदगी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और उनकी कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। मामले में प्रदेश के पूर्व मुखिया अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ की सरकार और पुलिस पर सवाल उठाते हुए तमाम आरोप लगाए और क्या कहा जरा सुनिए। जो घटनाएं अलीगढ़ में हुई दुखद है और ऐसा आज के समय पर हो, इससे ज़्यादा दुखद की बात और कोई हो नहीं सकती। और बेटियों के साथ घटनाएं रुक नहीं रही हैं। अगर अलीगढ़ में घटना हुई, देश और दुनिया के लोग जागरूक हो गए। मुंबई में जो कलाकार हैं वो भी सामने आ गए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आगे आईं। लेकिन अभी अलीगढ़ की घटना दबी नहीं थी, हमीरपुर में वैसी की वैसी एक घटना बेटी के साथ हो गई। आपके कौसाम्बी में घटना हुई बेटियों के साथ, एक बेटी मेरठ में जिंदा जला दी गई। आखिरकार सरकार कर क्या रही है, सरकार क्या सोचती है? सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। कानून व्यवस्था बची नहीं है। बताओ, जब बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और बड़े बड़े दावे सरकार करती थी। अभी अलीगढ़ की बात खत्म नहीं हुई है, हमीरपुर में घटना हो गई। अब हमीरपुर में इतनी बड़ी घटना हुई, उसके लिए दोषी कौन है? हम तो इन शराब पीड़ितों से, लोगों से मिलने आए जिनकी जान गई, परिवारों की। हमीरपुर में लोग पार्टी के पहुंचेंगे, मदद करेंगे उन परिवारों की, लेकिन आखिरकार जान जा रही है बेटियों के साथ? ये कहाँ का सभ्य समाज, ये कहाँ का हमारा नया भारत है? अखिलेश यादव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर जहाँ चिंता जाहिर की, वहीं सीएम योगी से इस तरीके के मामलों की बढ़ती संख्या पर सवाल पूछा। अखिलेश यादव ने मामले में सरकार को घेरते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।